करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों ऑपरेशन पैंथर्स लॉ के बारे में। ऑपरेशन पैंथर्स लॉ की बात करें दोस्तों तो ये अफगान वॉर का पार्ट है और किस तरीके से ब्रिटिश ट्रूप्स ने जो तालिबानियों के पास एक पूरा कंट्रोल्ड रीजन था उनसे छीनने की कोशिश की, उस हिस्से को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जो तालिबान ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। दोस्तों ये अफगान वॉर का हिस्सा है। अब मैं आपको यहां पे पूरा अफगान वॉर भी समझाऊंगा तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो हम सब कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है वो भी देखेंगे। दोस्तों काफी सारे ऑपरेशंस हुए, इसके बाद हम ऑपरेशन खंजर जो इसका अगला पार्ट है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। ऑपरेशन पैंथर्स क्लॉ का देखिए ब्रिटिश की इसमें विक्ट्री हुई थी लेकिन पूरी तरीके से वो जीतने में नाकामयाब रहे थे, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑपरेशन पैंथर्स क्लॉ क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पे चल के पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अफगान वॉर की बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान का नाम तो आना ही आना है। ये रहा हमारा अफगानिस्तान, ठीक है ना। ये रहा काबुल, काबुल कैपिटल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक और इंपॉर्टेंट शहर कांधार, यहीं पे तो प्लेन हाईजैक हुआ था ना, याद है कि नहीं। ये है लश्करगाह, हम यहां की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। लश्करगाह की बात करेंगे दोस्तों, यहां पे तालिबानियों का कब्जा था। देखिए मैं आपको अफगान वॉर का एक ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या था, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए पाकिस्तान, इससे पाकिस्तान जुड़ा हुआ है और इधर देखिए भारत आ गया है, ठीक है। आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे, मतलब यहां पे तो दिख नहीं रहा है, ये देखिए यहां से, ठीक है, ये पाकिस्तान और ये इंडिया, ठीक है, यहां से इंडिया शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये बहुत ही सेंटर ऑफ पावर रहा है, ठीक है। बाहर से बहुत बार अफगानिस्तान पर अटैक हुआ, इनफैक्ट भारत में भी जो स्लेव डायनेस्टी आई थी, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद अफ गजनी, वो सब कहां से आया था, वो अफगानिस्तान से ही तो आया था ना, सब अफगानिस्तान में ही ये सारे डिस्ट्रिक्ट के मालिक थे और वहां से फिर भारत पर अटैक किया था। तो भारत पे भी जो रूल है वो अफगानिस्तान से ही एक तरीके से शुरू हुआ है, इस्लामिक रूल जो है, ठीक है। खाइबर पास से होते हुए पाकिस्तान से होते भारत घुसते थे, तभी तो हम यहां पे देखते हैं बलबन ने ये पहचान लिया कि अटैक हमेशा अफगानिस्तान से होता है। बाहर से सेंट्रल एशिया से अगर अटैक हो रहा है तो यहीं से ही हर कोई आता है, तो सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे एरिया को सिक्योर करो, ठीक है ना। तो बड़ी दिक्कत है, यहां पे पूरा फोर्टिफिकेशन बकायदा, इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात करें पाकिस्तान रीजन में, पूरा फोर्टिफाई कर दिया था ताकि कोई आ ही ना पाए। तो भारत में जो रूल करते थे ना, जो राजा रहते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द रहता था कि सबसे पहले तो पाकिस्तान वाले एरिया को हमको सिक्योर करना है। तो अफगानिस्तान की ये कहानी है, हालांकि बड़ी लंबी कहानी है, मैंने पूरा मेडिवियल हिस्ट्री कवर किया है दोस्तों, सारी डायनेस्टी की बायोग्राफी मैंने कवर की है, जो भी रूलर्स आए थे, लेक्चर्स अवेलेबल है, टोटल 30 लेक्चर्स हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। महमूद ऑफ घोरी से मैंने शुरुआत की है, मोहम्मद ऑफ गजनी से। तो दोस्तों अफगान वॉर की बात करें दोस्तों तो क्या था, ये 1979 से लेकर 1989 तक चला था और आज जो हम अफगानिस्तान की हालत देख रहे हैं वो इसी वजह से है। 40 साल से ऊपर हो गए दोस्तों, मतलब 40 साल हो गए हैं, ऊपर तो नहीं हुए, अब होने वाले हैं, और अभी तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आई। अफगानिस्तान में क्या है कि घुसना तो बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अफगानिस्तान में सबको लगता है कि हम आसानी से अफगानिस्तान में घुस जाएंगे, यहां पे शहरों को कब्जे में ले लेंगे, बाहरी जो ताकत है जैसे अमेरिका हो गया, सोवियत हो गया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कि आसानी से अफगानिस्तान में घुस जाएंगे, शहरों को अपने कब्जे में ले लेंगे। अफगानिस्तान में बहुत सारे रिजर्व्स भी हैं, ठीक है, यहां पे काफी मेटालिक रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है, तेल भी अभी पता चला कि अफगानिस्तान में मिल गया है, तो बहुत समृद्ध है अफगानिस्तान, हालांकि इसको यूटिलाइज नहीं किया गया है, इसको यूज नहीं किया जा सका, यहां पे जो मिनरल्स मिलते हैं। तो अमेरिका को भी यही लगा, डोनाल्ड ट्रंप को भी यही लगा कि हम अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजेंगे वहां पे, हालांकि हमारी फौज वैसे ही है, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेके और उसके बाद फिर अमेरिका की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को अफगानिस्तान में भेजेंगे। लेकिन दिक्कत यह है, जैसा कि मैंने बताया कि आप एक बार आ तो जाएंगे, वापस लौटने का कोई चांस नहीं है। और अभी तक 1979 के बाद से दोस्तों अमेरिका की जो सेना है अफगानिस्तान में फंसी हुई है, 40 साल से अमेरिका की सेना यहां पे है, बड़ी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, जिस तरीके से अफगानिस्तान की ज्योग्राफी है, भूगोल है, बहुत मुश्किल है अफगानिस्तान पे कंट्रोल करना। बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, बड़े बड़े दर्रे मिलेंगे, रोड्स तक नहीं है, जो गांव है, आप शहरों पे तो कब्जा कर लेंगे लेकिन जो गांव है, जो इंटीरियर है अफगानिस्तान का, वहां पे तो रोड्स तक नहीं है, कैसे कब्जा करेंगे। यहां पे बहुत सारे एम्बुशेस होते हैं,
गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, बैंड बजा के रखी हुई है यहां पे तालिबानियों ने अमेरिकन की, तो बहुत मुश्किल है अफगानिस्तान पे कंट्रोल करना, इम्पॉसिबल है, ठीक है। और उसी का जो हश्र है वो अमेरिका अभी तक भुगत रहा है। तो ये सब 1979 से शुरू हुआ दोस्तों, जब अफगानिस्तान में तख्तापलट हो गया और कम्युनिस्ट सरकार आ गई। आप सोचिए, नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है कम्युनिस्ट ये लोग, क्या बात है, वाह। अच्छा, ये देखा है मैंने कि जितने भी डिक्टेटर्स और कम्युनिस्ट या कोई भी वन पार्टी रूल जो स्टैब्लिश करते हैं, डेमोक्रेटिक अपने आगे, अपनी पार्टी के आगे जरूर लगा लेते हैं वो, ठीक है। तो सबको डेमोक्रेसी का साथ चाहिए होता, वरना लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो 1979 में यहां पे तख्तापलट हो गया। अब दोस्तों 1979 में ईरान में भी तख्तापलट हुआ था, आपको याद होगा, मैंने ईरान इराक वॉर में बताया था ना, उसमें क्या था, ईरान ईरानियन रेवोल्यूशन जब यहां पे आया था, ये रहा ईरान, ईरानियन रेवोल्यूशन यहां पे जब आया था और पूरा का पूरा जब तख्तापलट हुआ था, तो हम ये देखते हैं कि यहां पे इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई थी। तो रोहिल्ला खोमेनी ने क्या बोला कि दुनिया में जहां जहां डिक्टेटरशिप है, जहां जहां मोनार्की है, सब लोग अपने देश में क्रांति ले आओ। अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ, हालांकि उनसे इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है, कारण कुछ और थे, अफगान में जो रेवोल्यूशन आया था, अफगानिस्तान में रेवोल्यूशन आया था, लेकिन दिक्कत यह थी कि क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार थी, ठीक है, सौ रेवोल्यूशन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट सरकार थी, तो सोवियत ने अफगानिस्तान का भर के साथ दिया। अब ये जो सरकार है यहां पे क्या करने लगी, रिफॉर्म्स करने लगी, ठीक है। अब कम्युनिज्म में जो होता है दोस्तों, वही रिफॉर्मेशन अफगानिस्तान में लागू कर दिए कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, थोड़े बहुत राइट्स दे दिए लोगों को। लेकिन अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये जो सेंट्रल एशिया अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, इनका कल्चर हजारों हजारों साल पुराना है, आप इनके कल्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये अफगानियों को और जो यहां पे लोग रहते थे उनको बड़ा नागवार गुजरा। और फिर हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, जिसमें से एक ग्रुप था अलकायदा, जिसमें से निकला है तालिबान, ठीक है। छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए दोस्तों, आतंकियों के ग्रुप्स बन गए कि हम तो इन सोवियत्स को खदेड़ देंगे। अब सोवियत की आर्मी यहां पे आ गई, सोवियत अफगानी जो, क्योंकि यहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और सोवियत भी कम्युनिस्ट नेशन है, तो यहां की सरकार को सोवियत काफी मदद कर रही थी। पूरी दुनिया ने बोला मत करो ऐसा, बहुत मामला बिगड़ जाएगा। सोवियत ने नहीं सुनी, ना यूनाइटेड नेशंस की सुनी, ना किसी की सुनी, वो घुस गया अफगानिस्तान में। अब सोवियत ने सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स पे कब्जा कर लिया, बस गलती कर दी यहीं पे। मैंने बताया कि घुस गए वापस नहीं जा सकते, वो होता है ना अंडरवर्ल्ड का फेमस डायलॉग कि बेटा आ तो गए हो, आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है, गांव पे कैसे कब्जा करोगे। सोवियत की अब बैंड बजनी चालू हो गई। यहां पे जो मुजाहिद मुजाहिदीन थे, ठीक है, जो मुजाहिद थे और जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए थे, उन्होंने सोवियत आर्मी पे हमला करना शुरू कर दिया। और 1979 से लेकर 1989 तक 10 साल तक सोवियत अफगानिस्तान में रहते हैं, कुछ भी उनको हासिल नहीं होता है। अल्टीमेटली उनको समझ में आ जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और 1989 में अपने ट्रूप्स वो वापस लेना शुरू कर देते हैं। तो सारे सोवियत सोल्जर्स वापस सोवियत लौट जाते हैं। मिखाइल गुरबचेव भी आ गए थे दोस्तों 1985 में, ठीक है। तो उनकी जो पॉलिसी थी वो तो बहुत लिबरल लीडर थे, मैंने उनकी बायोग्राफी कवर की है। 1991 में फिर दोस्तों यूएसएसआर सोवियत भी टूट गया, 15 देशों में बट गया, ठीक है। तो सोवियत की आर्मी तो चली गई, लेकिन अमेरिका की आर्मी यहां पे आ गई। जहां सोवियत है वहां अमेरिका कैसे पीछे रहे, वो तो घुसेगा ही घुसेगा। अमेरिका को ये लगा ये सोवियत और अफगानिस्तान ये दोनों मिलके पूरी दुनिया में कम्युनिज्म ना फैला दे, कहीं पाकिस्तान में कम्युनिज्म ना आ जाए, कहीं ईरान में कम्युनिज्म ना आ जाए, कहीं अगल बगल के देशों में कम्युनिज्म ना आ जाए, यही अमेरिका ने सोचा होगा। और उसके बाद वो अफगानिस्तान में घुस गए। एक बार अमेरिका घुस गए तब उन्होंने सब कुछ कबाड़ा कर दिया, और अभी तक अमेरिका के सोल्जर्स अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। 1989 से 1996 तक अफगानिस्तान में सिविल वॉर चलता है। तालिबान, तालिब का मतलब स्टूडेंट, यहां के स्टूडेंट्स बड़े गुस्सा थे, और इन्हीं नौजवान में से एक था ओसामा बिन लादेन, सऊदी अरब की बड़ी रईस फैमिली से आता था, उसने अलकायदा नाम का ग्रुप बना लिया। वहां से तालिबान से अलकायदा निकला, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 7 साल तक ये वॉर चला और अल्टीमेटली तालिबान उसमें जीत गए। आपको बताना चाहता हूं तालिबान की सरकार रही थी 5 साल तक, 1996 से लेकर 2001 तक, 5 साल तक इन्होंने रूल किया था। और जब तालिबान ने रूल किया दोस्तों, तो अफगानिस्तान की बैंड बजा दी, अफगानिस्तान एक अंधे युग में चला गया। शरिया लॉ, एक्सट्रीम शरिया लॉ यहां पर लागू हो गया, औरतों के तो पूरे राइट्स नहीं थे, ठीक है। अफगानिस्तान में दोस्तों अगर औरत का जन्म होता उस समय ये बोला जाने लगा था
तो वो नर्क जीते जी नर्क झेल लेती। सबसे खराब देश था औरतों के लिए अफगानिस्तान, कोई कुछ नहीं कर पाया, पूरी दुनिया देखती रह गई। अमेरिका के रोनाल्ड रीगन तो बकायदा मुजाहिदीन से मिले थे, क्योंकि दोस्तों ये जो मुजाहिदीन थे जब सोवियत यहां पे थी तो ये अमेरिका गए, ठीक है, और अमेरिका ने इनको बुलाया, बकायदा मीटिंग है, फोटोज है रोनाल्ड रीगन से इन मुजाहिदीन की जो अफगानिस्तान में छोटे छोटे गुट थे, कि आप हमको हथियार सप्लाई करिए ताकि हम सोवियत से लड़ सकें। तो अमेरिका ने बकायदा इनकी मदद की। तो मुजाहिदीन को आतंकवाद फैलाने में सबसे बड़ा हाथ, ओसामा बिन लादेन को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। तो कहते हैं ना कि बेटा जो बोगे वही पाओगे, वॉट यू सो यू रीप। ये अमेरिका के लिए बिल्कुल, अमेरिका आज पूरी दुनिया में जहां जहां अनस्टेबिलिटी चल रही है उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद दोस्तों ये मैं आपको पूरा बैकग्राउंड समझा रहा हूं, फिर आगे के जो लेक्चर्स लूंगा मैं उसमें बैकग्राउंड नहीं समझाऊंगा। तो उसके बाद दोस्तों अमेरिका की तब से फौजें जो है वह यहां पर फंसी हुई है, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोला कि फौज जो है वह अफगानिस्तान में रहनी चाहिए। बराक ओबामा 2009 में उन्होंने बोला कि हम अमेरिकन को निकालेंगे, क्योंकि लोग बहुत गुस्सा होते हैं, लोग बिल्कुल वहां के वॉर के खिलाफ हैं। हमारा पैसा हम अफगानिस्तान में क्यों फूंक रहे हैं या दूसरे देश में क्यों फूंक रहे हैं, हमारे सिपाहियों की लाशें आती है, हमारे परिवार का एक इंसान गया है, हम पागल हैं जो आपको वोट दे रहे हैं। तो बराक ओबामा ने इसी पे पूरी कैंपेन की कि अफगानिस्तान में हम सोल्जर्स को निकाल लेंगे। लेकिन अब बराक ओबामा को भी समझ में आ गया कि एकदम से अगर यहां पे अमेरिका के सोल्जर्स को निकालेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ये तालिबान को। क्योंकि जब अमेरिका ने 2001 में, 2001 में दोस्तों, ठीक है, और ये जो ऑपरेशन मैं कवर कर रहा हूं ये इसी समय की बात है, 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, क्योंकि जब 9/11 अटैक हुआ, ठीक है, 9/11 अटैक, ट्विन टावर, पेंटागन पे अटैक किया अलकायदा ने, ओसामा बिन लादेन ने, अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है। अमेरिका को लग रहा था हम सेफ है, हम तो सात समंदर पार रहते हैं। तब यहां पे क्या हुआ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया, ठीक है, या तो आप हमारे साथ है या आप हमारे खिलाफ है। अफगानिस्तान के तालिबान से बोला कि हमको ओसामा बिन लादेन सौंप दो, तालिबान ने मना कर दिया, अमेरिका ने पूरी अपनी फौजें 2001 में भेज दी, ठीक है। अब यहां पे अफगानिस्तान में और भयंकर तरीके से इन्वेजन हो गया हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों जब अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान को इन्वेड किया और अपनी फौजें भेजी, तो ये लोग कह रहे थे कि अब बहुत हो गया, लाशें आ रही हैं, दिक्कत हो रही है, अमेरिका की फौजों को बाहर निकालो, हमारे सिपाहियों को बाहर निकालो, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों दिक्कत ये हो गई कि उनकी फौजें यहां पे फंस गई, एकदम से निकालते तो ये जो तालिबान फिर से कंट्रोल में आ जाते, क्योंकि जब अमेरिका ने इन्वेड किया तो तालिबान जो है वो छुप गए थे, अपने सेंटर छोड़ के छुप गए, ठीक है, गांव में चले गए, वहां से उनका वॉरफेयर जारी रहा, हमला करते रहे। 2009 में बराक ओबामा ने बोला कि हम अपनी फौजों को निकालेंगे, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे, ठीक है, पूरी तरीके से अपनी फौजों को नहीं निकाल पाए। उनको पता था एकदम से निकालेंगे तो अफगानिस्तान में आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला धीमे धीमे निकालेंगे। तो अभी कंडीशन क्या है दोस्तों, अभी आपको पता ही होगा पिछले एक महीने से पहले, मतलब पिछले के पिछले महीने अफगानिस्तान में जो पीस ट्रीटी थी अमेरिका के, वो फेल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि तालिबान टेबल पे आ गया था, ठीक है, और पाकिस्तान ने काफी हेल्प की थी इसमें, पाकिस्तान का रोल बहुत अहम हो जाता है, हालांकि एक अलग टॉपिक है, फिलहाल इस पर नहीं जाते हैं। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब अफगानिस्तान को हम रूल सौंप सकते हैं, ठीक है, इनको अथॉरिटी दे सकते हैं, लेकिन उसी समय अफगानिस्तान के तालिबानियों ने हमले कर दिया और अमेरिका के सोल्जर्स मारे गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये पीस ट्रीटी फेल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि बिल्कुल नहीं, अभी अफगानिस्तान में हमारी सेना को रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कहानी यह है कि अमेरिका की सेना अभी भी अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में अभी भी युद्ध चालू है। तो इसी बीच होता है दोस्तों ऑपरेशन पैंथर क्लॉ, ठीक है, ये पूरा आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये ब्रिटिश हेल्ड एरिया है, ठीक है, बाद में इस पूरे के पूरे एरिया को, ठीक है, अमेरिका मतलब ब्रिटिश और अमेरिका को अपने कब्जे में लेने लगा, लेना पड़ा। अब आप सोचेंगे कि सर एक बात बताइए कि ये ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस ने ISAF रेजोल्यूशन 1386 के तहत इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स का गठन किया, 2001 में इसको गठन किया। इसमें पूरी दुनिया भर की फोर्सेस थी, ठीक है, ब्रिटेन यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स रही है, ठीक है। हालांकि ISAF को 2014 में डिसॉल्व कर लिया गया, नेटो की हेल्प से ISAF का गठन हुआ। तो ये क्या थी कि यहां पे जो भी आतंकी है उनको ढूंढेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे अफगानिस्तान में। तो इसमें ब्रिटिश के ट्रूप्स भी इन्वॉल्व थे, ब्रिटिश के भी काफी सोल्जर्स यहां पे मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई है, 5,000 से ज्यादा अभी तक अमेरिका के सोल्जर्स शहीद हुए हैं, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं कि जब तालिबान हटा, 2001 में अमेरिका ने इन्वेड किया, ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको समझाई दिया है, तो तालिबान छुप गए, ठीक है। अब जब तालिबान छुप गए तो वो तो गांव से अपना युद्ध जारी रखेंगे, हमले करने उन्होंने शुरू कर दिए। तो वो चाह रहे थे कि जितना एरिया हम अपने कब्जे में ले ले उतना अच्छा,
तो आप ये देखेंगे, ये एरिया को अगर आप देखेंगे सेंट्रल हेलमंड, ठीक है, ये एरिया को तालिबान अपने कमजोर अपने कब्जे में लेना चाहते थे हेलमंड प्रोविंस को, और वो सफल भी हो गए। तालिबान ने जो जो एरिया को अपने कब्जे में लिया था ऑपरेशन पैंथर क्लॉक के तहत, ब्रिटिश फोर्सेस उन सारे एरियाज को वापस अपने कब्जे में लेंगी, ठीक है। तालिबान को खदेड़ने के लिए पूरा का पूरा ऑपरेशन चला था हेलमंड प्रोविंस में, ठीक। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि 2009 में एक के बाद एक ब्रिटिशर ने, ब्रिटिश ट्रूप्स ने अटैक चालू कर दिए। ऑपरेशन जफर लॉन्च होता है दोस्तों 27 अप्रैल 2009 को, एक के बाद एक 10 अटैक किए यहां पे, तालिबान की कमर तोड़ दी। लेकिन क्या होता है कि तालिबान ही आएंगे मैदान में, आप उन पे अटैक करेंगे, तालिबान मरेंगे और उसके बाद वो वापस छुप जाएंगे, कुछ टाइम के लिए शांत रहेंगे, दोबारा रीऑर्गेनाइज होकर वापस आपके अटैक करेंगे। बहुत मुश्किल है दोस्तों वहां पर लड़ाई करना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ये सबको समझ में आ चुका है कि अफगानिस्तान में नहीं जीत सकते, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अफगानी नेशनल आर्मी यहां पे पूरा सपोर्ट कर रही थी, अफगान नेशनल पुलिस भी यहां पे पूरा सपोर्ट कर रही थी, तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है ना, तो ये सब कुछ हो रहा था। के लिए 19 जून रात 12 बजे 19 जून 2009 को पैंथर क्लॉ को लॉन्च किया जाता है, ये ब्रिटिश का ऑपरेशन था, ठीक है। अभी अमेरिका भी ऑपरेशन खंजर, तीन हफ्ते बाद अमेरिका ने भी ऑपरेशन खंजर लॉन्च कर दिया, उसमें भी यही था कि तालिबान ने जो भी एरियाज लिए हैं उनको वहां से छुड़ाना है, ठीक है। अब यहां पे क्या 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 टैक्टिक्स थी, सीधा ये था जहां से तालिबानियों को सप्लाई आ रही है वो काट दो, ठीक है। सीधी बात, उनको सप्लाई नहीं मिलेगी, उनको हथियार नहीं मिलेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। तो ये एयर स्ट्राइक्स हुए दोस्तों, ठीक है ना, मल्टीपल अटैक्स हुए, एयर स्ट्राइक्स हुए, तालिबानी फाइटर्स ने भी रिटेलिएट किया। तालिबानी फाइटर ने, आपको बता दूं कि अमेरिका ने, रोनाल्ड रीगन ने इनको स्टिंगर मिसाइल दी थी, ठीक है ना, वो हाथ से होती है ना स्टिंगर मिसाइल, अब हाथ पे पकड़ के, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, आपने वो देखा होगा कि हाथ में आप उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, और हाथ से ही मिसाइल लॉन्च होती है, ठीक है, एक पूरा का पूरा ये वेपनाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, इन सबको मार गिराने में कामयाब होती है, अमेरिका ने सप्लाई की थी, बताइए अमेरिका ने, ठीक है, उनकी जो स्टिंगर मिसाइल है। तो तालिबानियों के पास ये सब कुछ था, काफी इनको फंडिंग भी, पाकिस्तान बहुत ज्यादा सपोर्ट करता तालिबानियों को, आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है। तालिबान जीता 1996 में, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तो यहां पे जब तालिबानियों ने रिटेलिएट किया, उनको रिपेल किया, उनको मारा ब्रिटिश फोर्सेस ने जो एयर स्ट्राइक्स किए, लेकिन इन्होंने भी बहुत ही तगड़े से फाइट की, इतनी आसान नहीं था इनको रिटेलिएट करना, ठीक है। 25 जून आते आते जो एरिया तालिबानियों ने लिए थे, काफी कुछ एरिया को ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, साथ ही साथ सप्लाई रूट्स भी काट दिए, ठीक है। पहले एयर अटैक्स किए ब्रिटिश ट्रूप्स ने, पहले एयर अटैक्स किए, प्लेन से अटैक हुआ, बॉम्ब गिराए, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस ने मोर्चा संभाला, फिर सिपाहियों ने मोर्चा संभाला, उन्होंने हैंड टू हैंड फाइट की, गोलीबारी से फाइट, गोलियों से फाइट की, ठीक है। तो यहां पे तालिबानियों को पीछे खदेड़ने में कामयाब हो गए। अब हम ये देखते हैं कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन पैंथर क्लॉ को तीन फेजेस में लॉन्च किया था। पहला फेज ये था कि सबसे पहले एयर अटैक्स होंगे, ठीक है, और जहां से सप्लाई आ रही उसको कट करो, दूसरा अटैक, और तीसरा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, फाइनल अटैक, ठीक है, कि जो एरिया है वो हमने कब्जे में ले लें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरी तरीके से इस एरिया को, इस हेलमंड प्रोविंस को ब्रिटिश अपने कब्जे में लेने में पूरी तरीके से वो कामयाब नहीं हुए, ठीक है। अब 2 जुलाई को इधर अमेरिकन फोर्सेस ने ऑपरेशन खंजर लॉन्च कर, अब ये इसका अलग स्टेज है, ठीक है, पहले स्टेज में ऑपरेशन पैंथर क्लॉ, अब इधर ऑपरेशन खंजर, और दोनों का क्या एम था कि तालिबानियों से सारा एरिया छीने। 5 जुलाई आते आते दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, एस्टोनिया और अफगान गवर्नमेंट की फोर्सेस इस ऑपरेशन पैंथर क्लॉ में इन्वॉल्व हो गए, बड़ा भीषण युद्ध हुआ दोस्तों। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटिश फोर्सेस का हमेशा अपर हैंड रहा, ठीक है, भारी पड़े वो तालिबानियों पर, लेकिन पूरी तरीके से वो जीत नहीं पाए। अब अगला क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन खंजर के बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। तो ये पूरा बैकग्राउंड था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।